जस्टिस याहिया अफरीदी नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नामजद। खुसूसी पार्लियामानी कमेटी ने जस्टिस याहिया अफरीदी के नाम की मंजूरी दे दी। दो तिहाई अक्सरियत से जस्टिस याहिया अफरीदी के नाम की मंजूरी दी। वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ की तस्दीक। पार्लियामानी कमेटी ने जस्टिस याहिया अफरीदी का नाम वजीर आजम को भेज दिया। सैनिटर फारूक एचनाइक ने कहा कि आइन के मुताबिक दो तिहाई अक्सरियत ने जस्टिस याहिया अफरीदी के नाम पर इतफाक़ किया। इन कैमरा अजलास था, अजलास की कार्रवाई की मजीद तफसील नहीं दे सकते। राजा परवेज अशरफ बोले, अच्छे की तवक्को रखनी चाहिए, पाकिस्तान के लिए बेहतरी की दुआ है। पीटीआई ने पार्लियामानी कमेटी इजलास का बॉयकॉट किया। 12 अरकान में से 9 अरकान ने इजलास में शिरकत की। सीनियर तरीन 3 जजेस के नामों पर गौर किया गया। एहसन इकबाल ने कहा कि पीटीआई का कमेटी इजलास में शिरकत ना करना काबिले अफसोस है। हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अराकीन को मुशावरत में शामिल करने की बहुत कोशिश की। जस्टिस याहिया अफरीदी 23 जनवरी 1965 को पैदा हुए। एचएसएन कॉलेज और गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से तालीम हासिल की। पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर से एमए मुआशियात की डिग्री हासिल की। कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप पर कैम्ब्रिज से एलएलएम की डिग्री हासिल की। 1990 में हाईकोर्ट के वकील की हैसियत से प्रैक्टिस शुरू की। 2004 में सुप्रीम कोर्ट के वकील के तौर पर वकालत का आगाज़ किया। बतौर असिस्टेंट एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा खिदमात सर अंजाम दी। 2010 में एडिशनल और 2012 में मुस्तकिल जज पेशावर हाईकोर्ट मुकर्रर हुए। 30 दिसंबर 2016 को पेशावर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के ओहदे का हल्फ उठाया। 28 जून 2018 को सुप्रीम कोर्ट के जज मुकर्रर हुए। आला अदलिया में अहम मुकदमात की समाअत की। सुनी इतिहाद काउंसिल की मखसूस नशस्तों से मुतालिक लार्जर बेंच का हिस्सा रहे। मखसूस नशस्तों के केस में इख्तलाफी नोट भी तहरीर किया। जुल्फिकार भुट्टो की फांसी के खिलाफ रेफरेंस पर 9 रुकनी लार्जर बेंच का हिस्सा रहे। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस से जजेस कमेटी में शमूलियत से माजरत कर ली थी। तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का खुसूसी पार्लियामानी कमेटी का बॉयकॉट। किसी रुकन ने कमेटी इजलास में शिरकत ना की। स्पीकर कौमी असेंबली और खुसूसी पार्लियामानी कमेटी के अरकान सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और पीटीआई को मनाने में नाकाम। स्पीकर अयाज सादिक से चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की मुलाकात। सैनिटर कामरान मुर्तजा अहसन इकबाल और राना अंसार की भी मुलाकात। स्पीकर की बैरिस्टर गौहर से खुसूसी कमेटी इजलास का बॉयकॉट खत्म करने की दरख्वास्त। सरबरा JUI मौलाना फजल रहमान का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर से टेलीफोनिक रबता। खुसूसी कमेटी के इजलास में शिरकत की दरख्वास्त की। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, 26वीं आईनी तरमीम गैर आईनी है। इस तरमीम और इसके नतीजे में बनी कमेटी को नहीं मानते, इसी वजह से बॉयकॉट किया। हमारी सियासी कमेटी का फैसला हतमी है। मौलाना फजल रहमान का भी पैगाम मिला मगर माजरत कर ली। छब्बीसवीं आइनी तरमीम अल्लाह ताला के फजल करम से पाकिस्तान की तरक्की खुशहाली और पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए इंशाअल्लाह बहुत मौसर और मस्बत इंशाअल्लाह साबित होगी। मैं उन तमाम जुहमा का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने इसमें मेरी भरपूर मदद की। इसमें सदर जनाब आसिफ अली जरदारी साहब, उनकी पार्टी से जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ मेरे जो कायद हैं, उनकी पूरी इसमें मुझे रहनुमाई हासिल थी, पूरी मदद हासिल थी। आईनी तरमीम से अवाम को अदालतों से जल्द इंसाफ मिलेगा। तरमीम मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए मुअसर साबित होगी। अवाम के केसेस कई साल से अदालतों में जेरे इल्तवा हैं, इंसाफ नहीं मिलता। आईनी बेंच के क़याम से आम आदमी को सहूलत मिलेगी। 26वीं आईनी तरमीम के लिए तमाम सियासी रहनुमाओं से मुशावरत हुई। सदर आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो और मौलाना फजल रहमान का किरदार अहम रहा। आईनी तरमीम मिसाक जमहूरियत के विजन और सच्चाई की गवाही है। वजीर आजम की वफाकी काबीना के अजलास में गुफ्तगू। आईनी तरमीम की मंजूरी पर मुबारकबाद, कहा SEO कॉन्फ्रेंस कामयाब रही। अफवाज पाकिस्तान ने कॉन्फ्रेंस को कामयाब बनाने में मदद की। गजा लिबनान में बेगुनाह बच्चों और खातिन का कत्लेआम जारी है। अक्वाम मुतहदा की सिक्योरिटी काउंसिल की सीज फायर की करारदादों पर कोई अमल नहीं हुआ। पाकिस्तान फलस्तीन और लिबनान के भाइयों के लिए मजीद इमदादी सामान भेजेगा।
बीएनपी मैंगल के सेनेटर कासिम रोंझो ने सेनेट रुकनियत से इस्तीफा दे दिया। कासिम रोंझो ने सेक्रेटरी सेनेट को इस्तीफा जमा करा दिया। कासिम रोंझो सेनेट में बीएनपी मैंगल के पार्लियामानी लीडर हैं। सरदार अख्तर मैंगल ने दोनों सेनेटर से इस्तीफा तलब किया था। सेनेटर नसीमा एहसान और कासिम रोंझो ने आईनी तरमीम के हक में वोट दिया था। कासिम रोंझो ने वीडियो पैगाम में कहा कि पार्टी सरबरा ने ज़बरदस्ती प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई, सब कुछ लिख कर मेरे सामने रखा गया और ज़बरदस्ती ये अल्फाज अदा किए। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मनघड़त और झूठ पर मबनी थी। मैं इस सब की तरदीद करता हूँ। मैं 15 दिन से घर पर मौजूद था। जासिम रोंझो ने एक्स पर पैगाम में कहा कि मेरे वालिद को सेनेट से इस्तीफा दिलवाने के लिए ज़बरदस्ती लाया गया, पार्टी क़यादत से ये तवक्को नहीं थी। जनाब स्पीकर, उन लोगों को वहां से लाया गया था, यहां पे बिठाया गया था। आपके जो गवर्नमेंट ट्रेजरी बेंचेस के लोग थे उन्होंने किया था, उनको टास्क मिला था और ये हुआ है, हमने खुद देखा है। मेंबर को मैं नहीं रोक सकता कि कहाँ बैठे। आई विल मेक श्योर जितने लोग यहाँ पे थे उनकी फुटेज लूंगा, उनकी तस्वीरें लेके आपको बताऊंगा कि भी कौन थे और कौन नहीं थे। ऐवान से अरकान पार्लियामेंट को गिरफ्तार किया गया। हमारे लोगों पर जुल्म करके वोट लिया गया, लोगों को यहाँ चैम्बर के अंदर रखा गया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब के इल्जामात कौमी असेंबली में इजहार ख्याल करते हुए कहा, आप सार्जेंट से चेक कराएं कि ये लोग कौन थे। मैंने स्पीकर के स्टाफ को तस्वीर दी, इंक्वायरी करें, यकीनी बनाएं कि सीसीटीवी फुटेज डिलीट ना हो। ये रिवायत बहुत गलत है, खुदा के लिए ये रिवायत ना डालें, ये जमहूरियत के माथे पर धब्बा है। स्पीकर कौमी असेंबली अयाज सादिक ने कहा, मैं वीडियो चेक करूंगा फिर आपको जवाब दूंगा। यहां पर जितने लोग खड़े थे वही सिक्योरिटी में थे, मैं किसी रुकन को हुकूमती बेंचों पर बैठने से नहीं रोक सकता। तरमीम एक तारीखी डॉक्यूमेंट है जो इस हाउस ने पास किया और अवाम को इसका फायदा होगा। जब एक आम आदमी का केस प्रायोरिटी के ऊपर लगेगा, उन चारों से मुलाकात हुई, उनको पूछा, उन्होंने कहा जी जमीर की आवाज पे आए हैं, वोट डालने आए हैं, बगैर डरे बिला खौफ वोट देंगे। इन्होंने एक एक शिक पे मुसवदे पे सौदेबाजी भी की, मुसवदे के ऊपर इन्होंने अपनी इनपुट भी दी, मुसवदे को मुतफिका करार भी दिया, 90% इत्तफाक भी किया। देखिए अपनी जो पार्टी के अंदर फाइटिंग है उसको आप आपस में सेटल करें, उसको पार्लियामान के सर पे क्यों डालते हैं। आईनी तरमीम से मुतालिक अरकान के अगवा से मुतालिक झूठा प्रोपेगंडा किया गया। आज़ाद अरकान ने अपनी मर्जी से वोट कास्ट किया, यहाँ पर लोग आए और उन्होंने ज़मीर के मुताबिक वोट दिया। मैं इनमें से कुछ मेंबरान से मिला। आज़ाद अरकान ने कहा कि ज़मीर की आवाज़ पर वोट दिया। वफाकी वज़ीर इत्तला'आत अता तारण ने उमर अय्यूब के इल्ज़ाम की तरदीद कर दी। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले अपनी अंदरूनी धड़ाबंदी को पार्लियामेंट के खाते में ना डालें। पीटीआई का एक ग्रोह पार्लियामेंट के अंदर और दूसरा बाहर है। 26वीं आईनी तरमीम के लिए इत्तेफाक राय की पूरी कोशिश की। पीटीआई वालों ने आईनी तरमीम के मुसवदे पर मुज़ाकरात किए, उन्होंने पार्लिमानी कमेटी के नाम खुद दिए, फिर खुद ही शरीक नहीं हुए। पीटीआई में इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए। तहरीक इंसाफ इंतशार का शिकार है। तहरीक इंसाफ के अंदर 4 ग्रुप हैं जो लड़ते रहते हैं। आईनी तरमीम को नहीं मानते, तरमीम के खिलाफ पूरे मुल्क में एहतजाज करेंगे। इस बार हम पूरे पाकिस्तान को ब्लॉक करेंगे। हमारा एहतजाज हुकूमत से जान छुड़ाने तक जारी रहेगा। आईनी तरमीम आज़ाद अदलिया पर हमला है। अदलिया में अपनी मर्जी के लोग लगाकर मनपसंद फैसले कराना चाहते हैं। तरमीम के लिए वोट देने वालों को पार्टी से फारिग करेंगे। गद्दारी करने वालों के नाम सामने आ गए, शो कॉज नोटिस जारी करेंगे। बुजदिल लोगों की तहरीक इंसाफ में कोई जगह नहीं। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की मीडिया टॉक, कहा कि बुरे वक्त में सबका पता चल रहा है, हम डटे हुए हैं, वक्त बदलेगा, हम अपना मैंडेट वापस लेंगे। आठ जजेस का 12 जुलाई का मुख्तसर और 23 सितंबर का तफसीली फैसला गलतियों से भरपूर है। मखसूस नशस्तों के केस में अपीलों का हतमी फैसला हुआ ही नहीं। चूंकि हतमी फैसला ही नहीं हुआ, उस पर अमल दरामद बाइंडिंग नहीं। फैसले पर अमल दरामद ना होने पर तौहीन अदालत की कार्रवाई भी नहीं हो सकती। 8 अक्सरियती जजेस की 14 सितंबर और 18 अक्टूबर की वजाहतों में भी आईनी गलतियां हैं। अक्सरियती जजेस ने वजाहत की कि दरख्वास्तों की गुंजाइश बाकी रखी। 8 जजेस ने अपनी अलग वर्चुअल अदालत कायम की। मखसूस नशस्तों के केस में 2 जजेस का अक्सरियती तफसीली फैसला जारी।
चीफ जस्टिस कासिफ ईसा और जस्टिस जमाल खान मंदूकैन ने अकलियती तफसीली फैसला जारी किया। चीफ जस्टिस कासिफ ईसा ने अकलियती फैसले में 14 सफात पर मुश्तमिल इजाफी नोट भी लिखा। फैसले में आईनी खिलाफ वर्जियों और कोताहियों की निशानदेही मेरा फर्ज है। जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब ने इसके खिलाफ वोट दिया। उम्मीद करता हूँ अक्सरियती फैसला देने वाले अपनी गलतियों का तदारुक करेंगे। जस्टिस जमाल खान मंदूकैन ने 17 सफात पर मुश्तमिल इख्तलाफी नोट लिखा। मुझे अक्सरियती फैसले से इत्तेफाक नहीं, इसलिए अपना इख्तलाफी नोट लिखा। मुझे इससे इत्तेफाक नहीं कि मेंबरान असेंबली 15 रोज़ में तहरीक इंसाफ में शामिल हो। आईन में मखसूस नशस्तों को जारी करने का बाकायदा तरीक़ाकार है। पीटीआई इंटर पार्टी इलेक्शन केस, इलेक्शन कमीशन की तहरीक इंसाफ को दरख्वास्त गुजारों की दरख्वास्तों पर जवाब जमा कराने की हिदायत। क्या आपने भी इंटर पार्टी इलेक्शन कराया है? मेंबर के पी का अकबर एस बाबर से इस्तफसार। हमने कोई इंटर पार्टी इलेक्शन नहीं कराया, अकबर एस बाबर का जवाब। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि हाईकोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को फाइनल ऑर्डर करने से रोका है। मेंबर खैबर पख्तूनख्वा ने कहा कि हमारे पास ये अख्तियार नहीं कि हम आपको दोबारा इंटर पार्टी इलेक्शन कराने का कहें। कमीशन की दरख्वास्त गुजारों को दरख्वास्तों की नकूल पीटीआई को फराहम करने की हिदायत। अकबर एस बाबर ने कहा कि इलेक्शन कमीशन अब 5 साल तक दोबारा इंटर पार्टी इलेक्शन करवाने की हिदायत नहीं कर सकता। इंटर पार्टी केस की समाअत 14 नवम्बर तक मुलतवी।